What a man! वो आदमी नहीं, आंधी है आंधी। Come fast, very very fast। राजा साहब, ये लड़का है कौन? अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। शाबाश। वाह शंकर वाह, मान गए तुमको। मानना ही पड़ेगा, इसका कलेजे में शेर का कलेजा कौन चढ़ाया? राजा साहब, मोम को फौलाद कौन बनाया? राजा साहब, ब्लडी फूल। राजा साहब, राजा साहब, गजब हो गया। मजदूरों ने कोयले की कान में काम करना बंद कर दिया है। क्यों रे, कान में कौनो आग लग गई का? आग तो आपके छोटे भाई के दिमाग में लगी हुई है। वो एक मजदूर को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। हम पूछता हूँ, ये क्या हो रहा है ब्रिजवा? भैया वो सिर पे घमेला रखे ऐसे जा रही थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे 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 राजा साहब, क्यों अपने लाडले भाई पे हाथ उठा रही है? ये तो बचपन से खिसका हुआ है। तुम चुप रहो वैद्य, कान खोल कर सुन लो ब्रिजवा। हर मजदूर की छोकरिया हमारी बहू बिटिया है। हम राजा हूं, ये प्रजा है। भगवान के बाद ब्रिजवा, हम भगवान हूं इनका। जा यहां से, लड़ी फूल। वाह 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 वाह, अरे मैं तो जहांगीर के जमाने का इंसाफ देख लिया हूँ। अरे भाई को सगा भाई मार लिया है। ब्रिजवा के गाल पे थप्पड़ पड़ रहा था और मेरा कलेजा जल रहा था। अगर मैं झूठ बोलूं तो गांव का पागल कुत्ता किसी को भी काट ले। मैं खा रहा था जलदा गोपाल गोल्ड, बातें करूं मैं बोल्ड बोल्ड राजा साहब की। राजा साहब की। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ मिस्टर तोल मोल, बात करो मैं गोल गोल, खोल दो मैं सबके पोल। क्या बकवास कर रही है बे? मैं इस गांव का इतिहास बतला रहा हूँ। परसों से यहाँ मर्द औरत तो खरीद रहा है। ओ देख बुड्ढा कहाँ जा रहा है। वो यहाँ के बुड्ढों को जवान होने की दवा खिला रहा है, उल्लू का पट्टा। ये मुझे कौन पुकार रही है? बापू ये तेरा असली नाम बता रहा है, उल्लू मैं तेरा पट्टा। अबे ओ, क्यों इस पुतले के साथ जोकर गिरी में पड़ा है तू? अरे देख, बाप दादाओं का खानदानी बैठ का धंधा मैं कैसे चला रहा हूँ। कैसे चला रही है? अमीरों को चूना लगा रही है तू? मेरे पतिदेव का थोड़ा पावर बढ़ा दीजिए ना। पतिदेव का पावर? इसका मतलब यह है कि पिछली बार तूने गोली दी थी उसकी पावर की बात करिए। हाँ भाई, उस गोली से तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ। देखना इस बार ऐसी गोली देता हूँ कि बस। बापू तू क्यों इनकी जिंदगी में आग लगा रही है? मैं इनमें जवानी का शोला भड़का रही हूँ। शोला नहीं भड़का रही है, तो बरसात में भीगी लकड़ी को जला रही है। मालिक, ये क्या मालिक? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या देखा तूने? नहीं देखा? क्या देखा तुमने? बोल, हाँ? क्या देखा? वाह,
एका, इसने कुछ देखा है लेकिन बता नहीं रहा, बोल। अरे कोयला भी कभी कुछ बोला है का? पहाड़ कभी मुंह खोला है का? बोलने के लिए आवाज चाहिए। ये ससुरा आवाज कहां से लेके आएगा? ये तो बेचारा गूंगा है। मैं जानता हूं ये गूंगा है लेकिन इसने देखा है, पूछिए। शंकर, परिजवा, हम अनपढ़ हूं लेकिन बचपन से इस गूंगे का आंख पढ़ता हूं। आई रीडिंग, ये कुछ नहीं देखा। जा शंकर, तू जा। शो तेरा, अरे 20 साल से मैं आ रही हूं जा रही हूं और तू बराबर गोली पे गोली चला रही है। राजा साहब का हुक्म है गोली चलाने का। अरे मेरे गोली के बिना राजा साहब जी ना सके, और तेरी गोली गलती से मुझे लगी तो तू तो मरे ही मरे। राजा ना मारे तो ब्रिजवा मार दे। चिल्ला क्यों रहा है? आपका तो कोई दुश्मन भी नहीं है तो फिर ये पहरेदार, ये गार्ड, ये गोली, ये कुत्ते किस लिए? किस लिए? देख बैद, घास और दुश्मनी कहीं भी और कभी भी पैदा हो सकते हैं, और फिर हम तो राजा हूँ, अरे हमरा कोई तो निशानी होना चाहिए। आपके लिए डीआईजी का फोन है। हाँ रे डीआईजी, बोल। आ रहे हैं ना? अरे हम तेरा बिटिया की शादी पे जरूर पहुंच जाऊंगा रे, डोंट वरी। वंडरफुल यार, वंडरफुल। वंडरफुल नहीं राजा साहब, वंडरफुल। हाँ वही तो बोला हम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि येन प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि येन प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि येन प्रचोदयात्। ओम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। अरे गौरी सुनो तो, अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? मोतीचूर के लड्डू खाए हैं। खाए हैं? अरे वो भांग वाले लड्डू थे, सब सत्यानाश हो जाएगा। भांग के लड्डू? भांग के लड्डू सत्यानाश हो गया। अरे सब उल्टा पुल्टा दिखाई देगा। उल्टा ही दिखाई दिया है। चढ़ जाएगी। Nisa,
बम 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 चिक बम बोले बम 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 भंग के नशे में एक हो गए हम बम चिक बम भोले बम चिक बम 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 चिक बम भोले बम 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 आगे आगे हम पीछे रह गए हम बम चिक बम भोले बम चिक बम 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 चिक बम भोले बम 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 चलो पहले सबकी हम नाक में दम भंग के नशे में एक हो गए हम बम चिक बम भोले बम चिक बम 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 चिक बम भोले बम 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 पानी ये क्या हो गया नल में दूध बैठी हो इसलिए हम सड़क पे थोड़ी बैठे हैं सड़क हमारे नीचे बैठी है ये छोरी तो मुझे पागल लग रही है क्या कहा तूने गौरी को पागल कहा मुझे पागल कहा हाँ बोल के देख फिर से बोल के देख मुच्छड़ मुच्छड़ क्या है आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है बुड्ढे बुड्ढे ये बुड्ढा नहीं है ये राजा जी है राजा जी दादाजी
दादाजी। दादाजी साथियों, दादाजी को नमस्ते करो। नमस्ते दादाजी। गोरी, ए गोरी, हाय हाय, तूने मेरा जीना हराम कर दिया। कभी किसी की मटकी तोड़ देती है तो किसी की बकरी छोड़ देती है। चल तू घर चल, चल अभी छोड़ना। क्या चीज देखा हम, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। गोरी गोरी बुलाई मुझे, आई कमिंग। वेट वेट गोरी, गोरी आई एम कमिंग। क्या हो रही है? हो रही है राजा साहब, तू तो जा रहा था, वो तो मैंने पकड़ लिया लपक के। चल उठो उठो, हाथ पकड़। अरे मेरी कमर तो जा रही है। अरे तेरे हाथ की नाड़ी तो वाटर पंप की तरह चल रही है। ये सब गौरी की वजह से है। गौरी के ख्याल से नाड़ी तो क्या, सब कुछ चलने लगा है। सब कुछ मैथ, वो छोकरिया हम पर जादू कर दिया है। जिधर भी देखता हूं गौरी दिखाई पड़ती है। राजा साहब, गौरी को किधर भी देखो लेकिन खिड़की के पास मत देखो, वरना तू लंगड़ा लूला हो जाएगा ना। शादी ये जबरदस्ती है मामी, जिसे मैंने देखा नहीं जाना नहीं, लेकिन उससे शादी कर लूं। क्यों साथियों, बिना लड़का देखे शादी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चुप करो शैतानों, भागो यहाँ से, भागो। हम तुम्हारे मामा मामी हैं, तुम्हारे माता पिता समान। बेटे हम जो भी सोचेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे भले के लिए सोचेंगे। और फिर वो तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है। अरे राज करेगी राज बेटे, रानी बनकर रहेगी। कल मुही रानी, रानी बनकर रहूं या महारानी बनकर, जब तक मैं लड़के की शक्ल नहीं देखूंगी मैं शादी नहीं करूंगी। मरवा दिया ना, जीजा जी की शक्ल देखने लायक कहाँ है। गोपाल घोड़ा तैयार हो तो ले आइयो। तो बोलो ये के बोल रिया है। ऐसे क्या देख रिया है? तू गूंगा नहीं हो? जो मुझको गूंगा समझ रही है वो अंधा उल्लू का पट्ठा। ये भाई, मगर ये तुम बोलना कब से शुरू कर दियो? यही कुछ 15-20 साल से। मतलब इतना सालन से तू गूंगा बनकर तुम लोगों के दिलों के राज जान रिया था। तुम समझते थे कि गूंगा है, किसी को क्या बताएगा। लेकिन अभी राजा साहब के पास जाकर जो जो तुम राजा साहब के लिए कहते थे सब बता दूंगा। नहीं नहीं भैया, हम तुम्हारे पैर पड़े हैं, हमका माफ कर दो। नहीं तो नौकरी के साथ साथ हमार प्राण भी चला जाए। प्राण जाए या वचन जाए, पर बताना तो पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, माफ कर दो हमके एक बार। अबे कमजोर दिल के कबूतर, अस्तबल के खबीज। अबे शंकर होंठ हिला रहा था, शंकर की आवाज बनाकर मैं बोल रहा था। का अबे खामखा परेशानी का पसीना छोड़ रहा है, देख मैं ऐसे बोल रहा था। ये सिर्फ होंठ हिला रहा था, बचपन की प्रैक्टिस अब जवानी में रंग लाई है, समझे? मतलब तुम दोनों ने मिलके हमरा के बेवकूफ बनाया। इस दुनिया में कौन किसको बेवकूफ नहीं बना रहा है, हर एक आदमी दूसरे आदमी को बेवकूफ बना रहा है। जैसे तू बन गया, अबे कहां घुस गया, अबे घोड़ा समझ गया, नाल फेंक के मारूंगा। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब। हाँ, खुशखबरी है, खुशखबरी है, शादी के लिए मामी तैयार है। क्या? हाँ, 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 मामा भी तैयार है। और गौरी? उसको इनकार है। इनकार है, मगर क्यों, क्या कमी है हम में? आईना कभी झूठ नहीं बोलता, देखी। अरे राजा साहब, हर उदासी का मेरे पास इलाज है। अरे आप मायूस क्यों होते हैं ये? अरे मगर इस च्यवनप्राश को खाने से क्या होगा? ये खाने का नहीं है, लगाने का है। क्या? बाल पर है? बाल काले हो जाने पर कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ जाएगा। अरे बाल तो काले हो जाएंगे है? मगर इस झुरियों वाले चौकटे का हम क्या करूंगा, इसको कैसे बदलूंगा। हाँ, हम भेजूंगा फोटो, भेजूंगा।
ये सब क्या है? हमने तेरी शादी के लिए हाँ कर दी है, मुझे पूछे बगैर। बेटी, इस गरीब की कुटिया में अमीरी आई है। लड़का नहीं, हीरा है, हीरा। हाँ बेटी। मामी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कहती हूँ कि मैं बिना चेहरा देखे अंधों की तरह शादी नहीं करूँगी। उसकी तस्वीर देख ले, अगर पसंद ना आए तो सारे के सारे थाल। अभी के अभी वापस। तो फिर दिखाओ। दिखाइए ना। हाँ हाँ लो। अरे क्या चिकना लगता है, कितना अच्छा जीजा जी है ना। गौरी तस्वीर कहाँ है? तस्वीर कहाँ है गौरी? अरे जीजा जी क्या हीरो लगता है, अरे क्या चिकना लगता है, कितना अच्छा जीजा जी है ना। ऐसे क्या देख रही हो? तुम बोलते भी हो? बोल भी सकता हूँ और तुम्हें देख भी सकता हूँ। तुम तो तस्वीर हो और तस्वीर ना सुन सकती है ना देख सकती है। तुम चाहो तो तुम्हें छू भी सकता हूँ। अच्छा, छूकर बताओ। राजा की आवेगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैना चूर। बारात राजा ला रिया है और खुशी तू मना रही है। अबे क्यों मेरे मूड का सत्यानाश कर रही है? मैं सच सच बोल रहा हूँ। सच सच बोल रही है? हाँ। तो बता, सच सच बता, मैं बाल काले क्यों कर रही हूँ? तेरा दिल काला है ना, तू मैचिंग कर रही है। चुप, गलत। मैं तो शादी की सोच के बाल काले कर रहा हूँ बापू। अच्छा है तुझे शादी का ख्याल आ रहा है, मैं भी शादी का सोच के बाल हो रहा हूँ। है ना, तो अब तो शादी रचानी ही पड़ेगी। रचाना, टाइम भी तो आ गया। अरे समझ ले कि अब तो शादी हो गई। हो गई बापू? किससे? वही जो रोज रोज इस घर में आवे हैं। जो रोज घर में आके खाना पका के जावे हैं। हाँ वही जो हमारा काम काज संभाले हैं। बापू, अबे तू मेरा ब्याह रचा रही है रसीली के साथ। क्या? अरे रसीली मेरी होने वाली पत्नी है और तेरी होने वाली माँ है। माँ? नहीं, वो मेरी होने वाली पत्नी है, तेरी बहू है। बहू? नहीं, वो मेरी है। मेरी है? मेरी है। मेरी है? मेरी है। रसीली। दोनों ने साथ में बुलाया? हाँ। हाय दया। रसीली, रसीली तू बता, तू किससे प्यार करे हैं, छोटे से के छोटे के मोटे से? शर्मामत, बेशर्मी उतराने का टाइम है ये। उतर जा रसीली, बेशर्मी की पतीली पे उतर जा। बोल तू किससे प्यार करे हैं, बोल बोल ना, बोल ना। दोनों से ओम लक्ष्मी रूपेण संस्थानाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। अब आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए, वधु को प्रथम कीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। बापू ये क्या हो रहा है? क्या राजा साहब, तो शादी का सिस्टम बदल दिया है। क्यों? दूल्हा बन के खुद के घर के आंगन में घोड़ा घुमा लिया था, अब खुद ही घर में शादी के फेरे ले लिया है। पूरा चक्कर उल्टा करिए। ये चुप कर राजा साहब, वो जो करिए वो ठीक करिए। ठीक करिए। नमस्तस्यै
पंडित जी मंत्र पढ़ते रहिए, ये आखिरी फेरा है, हम इसको संभालता हूं। लेकिन पढ़िए मंत्र। अरिष्ट नाशनी नमस्ते। वर वधु के फेरे पूरे हुए, अब इन्हें आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा पति हूँ, साथ फेरा करके लाया हूँ। नहीं नहीं, वो फेरे नहीं थे, मैं नहीं मानती उन फेरों को, मैं नहीं मानती शादी को, धोखेबाजी की तुमने मेरे साथ, धोखेबाजी। अरे छमिया, धोखेबाजी कहो या चालबाजी, बाजी तो हम मार गया हूँ, आज तो हम अपने अरमान का एक एक दिया जलाऊंगा। शादी किया हूं, मैरिज मैरिज। नजदीक आए तो मैं चलाऊंगी, तो मुझे कभी हासिल नहीं कर सकती। तुम हमरा खून करोगी? अपना खून करूंगी गौरी, तुम्हें इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें अपना पति कभी नहीं मानूंगी, मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हें नहीं अपनाऊंगी। तुम्हारा जान अब हमारा प्रॉपर्टी है, तुम्हारा जीना मरना हमारा हाथ में है, सब कुछ हमरा हाथ में है। नहीं, नहीं। हंसकर हमरा जखम पर नमक छिड़क रही हो? देख रही हूँ, सोच रही हूँ और हैरान हूँ। मुझसे भी खूबसूरत, मुझसे भी हसीन फूल तो ले आए, मगर खुशबू खुशबू सूंघ न सके। उजाला घूंघट में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। घूंघट में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला।
सुंदरता दुल्हन बनी है, कोई किस्मत का कितना धनी है। आज सुंदरता दुल्हन बनी है, कोई किस्मत का कितना धनी है। मुंह दिखलाई की खातिर दिल क्या जान भी है हाजिर, चांद को चकोर देखे तुझको नसीबों वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। घूंघटे में चलता है फिर भी है पहला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। निराला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। घूंघटे में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। सकती थी लेकिन तुझ में मेरे भैया की जिद अटकी हुई है। भैया तुझको चाहता है और मैं भैया को चाहता हूं। चाहत ने मौत को रोक लिया। शंकर तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं।
लगता है छोरी के साथ बड़ा गलत हो रहा है। मैं तो बचपन से सुन रही हूँ कि दाल में काला, पर यहाँ तो पूरी दाल काली है। खाने वाले भी मन के काले, पकाने वाले भी मन के काले, इसलिए असलियत की कालिख तक पहुँचने को मन कर रहा है मेरा। मेरे बापू की बात कर रही है? गोपाल गोल जर्दा कौन खा रही है? मैं खा रही हूँ, तू खा रही है, थूक रही है। अबे खाएगा तो थूके गई ना, उल्टी कर रही है। उगल उगल, समझ गया तू, बापू से अंदर की बात उगलवाने की बात कर रही है। मैंने राजा के साथ धोखा किया, उल्टा राजा ने गौरी के साथ धोखा किया। कैसा धोखा मेरे राजा? अरे क्या बोल रहे, आवाज 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 कहाँ से निकालू? हवाओं के भी कान होते हैं। अगर राजा साहब के कान तक इस बात की हवा गई तो राजा साहब तो मेरी, अरे धत तू मेरे कान में बोल, राजा साहब तो क्या हवा को भी पता नहीं चलेगा। बोल बोल। हाय दया, सच्ची? शंकर, उस मासूम लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है, खंडर हो जाएगी हवेली देखना। क्योंकि भगवान बोले जिधर मासूमों के आंसू गिरे हैं उधर अंगारे बरसें। कितनी शर्म की बात है कि इस खेल में मेरा बापू भी भागीदार है और वो बेचारी। शंकर वो क्या कर रही, देख। राजा साहब ने मेरी किस्मत पर तेल छिड़का और तुमने उसमें आग लगा दी। नरक से भी भयंकर आग में झोंक दिया तुमने मेरी जीवन को। अपने मालिक से थोड़ी सी बख्शीश पाने के लिए तुमने मेरे पूरे जीवन का सर्वनाश कर दिया। एक लड़की की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला तुमने, इतना बड़ा धोखा। अरे जब तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं होने वाला था तो क्यों भेजी अपनी तस्वीर, क्यों भेजिए तस्वीर? इस तस्वीर को देखकर मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन के सुनहरे सपने देखने लगी। तुम्हें अपना पति परमेश्वर मान लिया, अपने नाम के साथ तुम्हें जोड़ दिया। मगर तुमने तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जो तस्वीर मुझे दी गई वो धोखा था, जिस तरह मेरा विवाह किया गया वो भी एक धोखा था, और इस सब की जड़ तुम हो। बोलो क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? अब मैं मरना चाहती हूँ तो मुझे मरने भी नहीं देते। क्या कसूर है मेरा बोलो, क्या कसूर है? बोलो जवाब दो। किससे जवाब मांग रही हैं आप? किससे पूछ रही हैं? या आप पे किसी सवाल का जवाब दे नहीं सकता? शायद आपको मालूम नहीं, ये बोल नहीं सकता। गूंगा ये गूंगा। वैसे भी गरीबों के मुंह में जबान होते हुए भी वो अमीरों की दुनिया में गूंगे बनकर जीते हैं। ये बेचारे राजा साहब की रोटियों पर उनकी लात उनके जूतों में बचपन से पल रहा है। मगर राजा साहब के जुर्म का ये भागीदार नहीं है। जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो गया है, शंकर बिल्कुल निर्दोष है, बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर। मुझे पिया हूँ। अरे हमरा दोस्त हमरा शादी का खुशी में पार्टी रखा और हम साला इधर अकेला, नो वाइफ, तोड़ूंगा।
हमरा जोरू का घमंड तोड़ूंगा। माई वाइफ, हमरा पैर में माई फुट, ब्लडी फूल, ब्लडी। राजा साहब, मैं तैयार हूं। राजा साहब, शंकर, तुम डूब जा। भंवर से कश्ती कभी बची है क्या? मुझे मारेगा। तूने ब्रिजुआ को छुआ? यही तेरी जगह है, हमारी जूती के नीचे, दो टके के गुलाम। कर दो शंकर, मैंने तुम्हें गलत समझा।
स्वरदित्याय वनाय स्वाहा, ओम अग्न्याय स्वाहा। बेटी, पति परमेश्वर होता है, पति की सेवा करना पत्नी का परम धर्म है। जीना पति के लिए, मरना पति के लिए, सारा जीवन पति के लिए। पति को ध्यान में रखकर कहो बेटी, कहो मेरे साथ, मेरा पति मेरा परमेश्वर है। अपने मन मंदिर में अपने पति की मूरत देखो, सिर्फ अपने पति की मूरत। कहो बेटी, मेरा पति मेरा परमेश्वर है, उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। कहो बेटी, मेरा पति मेरा परमेश्वर है। कहो बेटी, कहो।
की माला पे सिमरू मेरी का नाम जीत रहो। अरे तुम्हारी याद में तो हम दीवाने हो गए थे। कितने दिनों बाद देखा तुझे। फॉरेन से हमारे लिए क्या लाया बेटे? गौरी कहाँ है? गौरी दीदी तो गई। गई? कहाँ गई? बेटी तो पराया धन होती है ना। क्यों? तुम्हें शादी का कार्ड नहीं मिला? क्या? शादी? आप लोगों ने मेरी बहन की शादी कर दी मुझसे पूछे बिना? कहाँ? किसे? अरे बेटा कितनी बड़ी हवेली में राज कर रही है वो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। गौरी बहुत भाग्यशाली है बेटे। और वो नाम का ही नहीं सचमुच का राजा है। हाँ। राजा? तुम्हारा भाई का तार आया है, वो तुमसे मिलने आ रहा है। अगर जज्बात में आकर तुमने हमरा फैमिली मैटर का बात अपना जुबान पर लाया तो हम तुमरा सामने तुमरा भाई का। राजा साहब कहाँ है? हम यहां हूं साले साहब। आप? हाँ, हम ही तुम्हारी बहन गौरी का जीवन साथी हूँ। हाँ हाँ भैया, यही तुम्हारे जीजा जी हैं। भैया, भैया, तू रो क्यों रही है? तू मेरी शादी में क्यों नहीं आए भैया? गौरी, काश तुमने मुझे विदा किया होता। मेरे लौटने के बाद ही मुझे पता चला गौरी कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। भैया, अगर तुम मेरे शादी में इसी तरह अचानक चले आते तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होती। गौरी, तू खुश नहीं है? नहीं भैया, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इतनी खुशियां तो शायद ही किसी सुहागन को मिली हो जितनी मुझे मिली है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी खुशियां मिलेंगी। देखो ना भैया, देखो ना, ये हवेली, ये शानो शौकत, ये इज्जत। गौरी, यहां आने से पहले मैं बड़ी उलझन में था, लेकिन तुझे यहां खुश देखकर मैं परेशानियों से मुक्त हो गया। अब मैं खुशी खुशी वापस लौट जाऊंगा। राजा साहब, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा
आपने गरीबों की किस्मत पर अमीरी का ताज रख दिया। नमस्कार, मैं चलता हूँ। अरे भाई, कुछ जलपान करो, विश्राम करो, अभी अभी तो आए हो। धन्यवाद, लेकिन छोटी बहन के घर अन्न का एक दाना तो क्या, पानी तक पीना हमारी परंपरा के खिलाफ है। भैया ठीक कह रहे हैं। बहुत अच्छा, हम तुम्हारा परंपरा कैसे तोड़ सकता हूं। जाओ, खुश रहे। अरे भैया, टांगा रोको। क्या बात है? क्या बोल रहे हो तुम? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी बहन की शादी धोखा है, उसे यहां से ले जाओ। नहीं, तुम्हारा ये रूप देखकर हम मैड हो गया हूं गौरी, मैड। गौरी, तेरी जीवन में ऐसी आग लग गई और तू खामोश उसमें चलती रही। तुम यहां से चले जाओ भैया, तुम नहीं जानते ये लोग बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक। राजा साहब, तुमने मेरी फूल सी बहन पर अत्याचार किया, मेरी बहन के साथ शादी के नाम पर फरेब किया, धोखा किया। अब मेरी बहन इस नरक में एक पल और नहीं रहेगी। चल गौरी। भैया, भैया, साले साहब, तुम हमरा जोरू को बाहर लेकर जाएगा? ब्लडी फूल, ये हवेली एक ऐसा पिंजरा है जिसके हर दरवाजे पर मौत मुंह खोल कर बैठा है। तुम मौत के मुंह में आ गया है। शंकर, मैं अपनी बहन को यहां से नहीं ले जा सका। तू मेरी बहन को यहां से ले जा। मैं गौरी की जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूं शंकर। भैया, भैया। शंकर, तेरी ये मजाल कुत्ते, शंकर!
हमें यह जिंदा चाहिए। जाओ। तुम शंकर को नहीं जानते। जब तक हम उसका लाश नहीं देखूंगा, हम उसका मौत का विश्वास नहीं करूंगा। हमको वो दोनों चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ब्लडी फूल, कुछ पता चला शंकर का? सारी नदी छानबारी कहीं नहीं मिले। तुम कोशिश नहीं किया होगा। देखो, हम कोशिश करता हूं। देखा, हम कोशिश किया, मार दिया। अब हम गौरी और शंकर को ढूंढूंगा। उसे भूल जाइए आप, उसे भूल जाइए। नहीं, वो हमरा जोरू को लेकर भागा है। हमरा दिल में क्रैक पड़ गया है, दरार पड़ गया है। हम उस दरार को दोनों की लाश से भरूंगा। हम जंगल का कोना कोना छान मारूंगा। जब तक वो नहीं मिलेगा, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। डीआईजी, सुना तुमने शंकर का नमक हरामी के बारे में? इसीलिए तो इन कमांडोज को लेके आया हूँ। ये शंकर को जंगल में ऐसे ढूंढ लेंगे जैसे भूखा भेड़िया अपना शिकार ढूंढ लेता है। ये कुत्ते शंकर के वफादार थे, हमसे गद्दारी करते और उसे चौकन्ना कर देते। गुड ब्रेन्स ब्लडी फूल। गार्ड्स, तुम ब्रिजवा के साथ उन दोनों को जंगल में ढूंढो। हम डीआईजी के साथ उनको आसमान से ढूंढता हूं। ये देखिए पैरों के निशान सर, ये देखिए झुमका।
पॉकेट ओके। भैया आप रिजवा? हाँ भैया, आपका अंदाजा सही निकला। क्या? हाँ, दोनों जिंदा हैं। अच्छा? गौरी के कान का झुमका मिला है और दोनों के पैरों के निशान भी। किस तरफ गए हैं पांव के निशान? बोलो भैया। वो दोनों नाले के साथ वाली पहाड़ी में छिपे हैं, घेरा डाल लो। हाँ भैया, नाले के उस पार। वापस। मर गए। नहीं मिले भैया, और अब अंधेरा भी बढ़ रहा है। दोपहर से शाम हो गई, कहाँ गुम हो गए दोनों ब्लडी फूल? हमारी तलाश में ये ससुरी लंबी रात कहाँ से आ गई? ब्लडी फूल! राजा साहब, जल्दी से खाना खा लो, खाना खत्म हो रही है। हम नहीं खाऊंगा। राजा साहब प्लीज, थोड़ा खाना खा लीजिए। नहीं, कमाल है, हर आदमी खाने के लिए जी रही है, खाने के लिए मर रही है, और राजा साहब को उसी खाने पे गुस्सा आ रही है। पता नहीं आज जंगल में खाना पका है, कल पके ना पके, आज हम खाना खा रही है, कल कोई जानवर हमें खा जाए। एक कमांडो, जल्दी से जाइयो और मेरे लिए पानी लाइयो सादा। कोई बात नहीं, मैं खुद जाके ला रहा हूँ। ये साथ साथ चलो, ये घना जंगल है, पीछे वाला आदमी उड़ गया तो आगे वाले को पता भी नहीं चलने का कि पीछे वाला किधर को गया। किधर को गए? अरे किधर को गए? अरे ये तो लटक रही है। अरे क्यों सर्कस कर रही हो भैया? अरे थल्ले आ जाओ। अरे थल, ये तो नहीं आ रही है। ब्रिजवा, ये दो भी गए, मिला के तीन हो गए।
शंकर तो बहुत भारी पड़ रही है। यहीं कहीं है वो, ढूंढो उसे, ढूंढो। सिखाया हुआ हम ही पर आजमा रहा है। आजमा रही है? अरे घुमा रही है, पटक पटक के मार रही है। वैद्य, तुम्हारा सच बहुत कड़वा है, लेकिन सच है। हाँ। हमारी भलाई इसी में है कि हम यहाँ से वापस चले जाएं। मतलब हम हार जाएं दो कौड़ी के नौकर से। भाई, जब शेर आदमखोर हो जाता है तो शिकारी भी कदम पीछे खींच लेता है। क्या बकवास कर रहे हो? अरे इसकी बकवास ना मानी तो हम सब लोग इस गाँव का इतिहास हो जाएंगे। हमारे बाद गांव वाले अपने बच्चों को शंकर की बहादुरी के किस्से सुनाएंगे, जिसमें वो राम होगा और हम लोग रावण एंड पार्टी। क्यों रावण साहब, राजा साहब, आप तो समझदार है ना? हाँ, हम वापस जाएंगे।
तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई, प्यार में बह गए तो दिल मौज ये कैसी आई। रहा है दर्द का तेरे एहसास रहा है, तेरा एहसास मेरे पास रहा है। एक तुझे बस मेरी लगन थी, बात ये देर से समझ में है आई। तन्हाई बड़ी फूल तोल मोल, इश्क के तूफान को भी कोई रोक सके है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देख शंकर की तरह मैं भी रसीलियों को लेके भाग जाऊंगा। भाग जा, भाग जा, भाग जा। देख मेरे बापू फटे हुए पजामे की तरह मुंह कैसे लटका कर आ रहा है। अजय बापू, और तेरे चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा लग रहा है, बात क्या है? अबे बड़ा परेशान लग रहा है बापू तू। अरे बोल बेटे, उस दिन तू सही बोल रहा था। हाँ, कर दी ना बगावत शंकर ने और लेकर भागा ना गौरी को। काश के दोनों भाग जाते, दोनों राजा के हाथ ना आते। बापू ये तू क्या बोल रहा है? हाँ, दोनों पकड़े गए, दोनों मारे गए। मारे गए? अभी अभी हवेली से सुन के आ रही हूँ, राजा ने उन दोनों को मार डाला। नहीं, वाह, का खट्टी कैरी लाए हो राजा साहब। खट्टी कैरी नहीं चंदा भाई, you
ना बेटा ना, उठने की कोशिश मत करो, तुम्हारा जख्म अभी ताजा है। उठोगे तो गले के जख्म के टांके टूट जाएंगे, ऐसे ही लेटे रहो। बेटा, तुम्हारे हाथ पांव की हड्डियां टूट चुकी हैं। जब मैं तुम्हें यहां लेकर आया तो तुम्हारे जिस्म में चंद सांसों के अलावा कुछ नहीं था। बेटा, तुम गूंगे हो ना? बेटा, तुम्हारे गले की बहुत सी रगें कट चुकी थी, लेकिन तुम्हारा गला सीते समय मैंने एक ऐसी रग देखी जो तभी हुई थी जिसके कारण तुम अपने बोलने की शक्ति गंवा चुके थे। मैंने वो रग खोल दी है, अब शायद तुम बोल सकोगे। क्योंकि तुम पैदाइशी गूंगे नहीं हो, जरूर तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है। क्या हुआ था बेटा? बापू, बापू, मैं खाना लेके आ गया। हरिया, अरे ओ हरिया, तेरा बेटा शंकर आया है तुझे बुलाने को। आया मुकद्दम जी। हाँ मुकद्दम जी, देखो देखो मुझे क्या मिला है। देखो कोयले में कुछ चमक रहा है। देखो क्या चमक रहा है, है? हीरे? क्या हीरे? हीरे? वाह, कोयले के कान में हीरे, कोयले के कान में हीरे। मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, मुकद्दम जी बहुत बड़ा आदमी बन गया। शंकर की बात देख देख, मुझे कान से ये हीरे मिले हैं। मालिक जब शहर से दो रोज के बाद लौट के आएंगे ना, तो मैं उनको जगह और ये हीरे दिखाऊंगा, वो मुझे बहुत से इनाम देंगे। अरे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम अपने शंकर को खूब पढ़ाएंगे, बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। मैं पूरी बस्ती में जाके बोल दूंगा, मैं सबको बोल दूंगा कि तुमने मेरे माँ बाप को मार डाला, तुम खूनी हो। छोड़ो मुझे। फिर क्या हुआ बेटा? इंस्पेक्टर साहब, कौन है वो कमीना वैशी दरिंदा जो हरिया और उसकी पत्नी को मार डाला? बोलो कौन किया है ये खून? अरे हम मुकादम हूं, इन मजदूरों का माई बाप हूं। कौन है जो इस मासूम बच्चे का हलक में जलता हुआ कोयला डाल के इसको हमेशा के लिए गूंगा बना दिया? अब ये जिंदगी भर बोल नहीं सकेगा, मगर ये अंधा नहीं हुआ है, पहचान लेगा गुनहगार को। हम छोड़ूंगा नहीं उसको। शंकर बेटा, पहचान इनमें से कौन है जिसने तेरे मां बाप का खून किया है? जा पहचान। क्या इन दोनों ने मारा है तुम्हारे माँ बाप को? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। निकल चल यहाँ से। मार
डाला हत्यारों को? हाँ, मार डाला। ये साले बहुत खतरनाक वांटेड मुजरिम थे, इन्होंने हम पे गोली चलाई और एनकाउंटर में मारे गए। बहुत अच्छा किया इंस्पेक्टर। देखा शंकर, कानून ने तुम्हारे माँ बाप की मौत का बदला ले लिया। आज से हम तुमको पालूंगा, आज से हम हूं तुम्हारा पालनहार। राजा ने हम दोनों की जिंदगी को नासूर बना दिया है और उसने तेरे शंकर को मार डाला। नहीं, उसने अभी भी मुझे पुकारा है, मैंने उसकी आवाज सुनी है। बिंदिया, वो जिंदा है। गौरी, बेजुबान बोला नहीं करते, मैं जानती हूँ सच बहुत कड़वा होता है, मगर जीने के लिए हकीकत को मानना ही पड़ता है। नहीं, मैं नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। वो जिंदा है। तो ये हैं हमारे डायमंड बिजनेस के पार्टनर्स जो विदेश में हमारा डायमंड बिजनेस संभालते हैं। अरे पार्टनर्स बाद में होंगे, फर्स्ट माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स। वेलकम। बस इतने से हीरे? हम आहिस्ता आहिस्ता हीरा निकालूंगा, नहीं तो कानून का नजर लग जाएगा। जैसे पिछली बार निकाला था? बिल्कुल वैसे, हरिया की मौत पर काम किया था जैसे। भाई राजा साहब, आपका भी जवाब नहीं। आपने हरिया का खून करने के बाद डीआईजी साहब की मदद से हम दो जिंदों को मुर्दा करार करके विदेश भेज दिया और खुद हीरो का बिजनेस शुरू कर दिया। कानून की नजर में तुम दोनों एकदम सेफ हो। मतलब? क्योंकि मुर्दों की गिरफ्तारी नहीं होती और तुम दोनों तो 100% मुर्दा हो। आ,
ढोलक। ये मैंने क्या सुना? तू बोला हाँ। अबे गूंगे, जिंदगी और आवाज दोनों लेकर आया है, मगर क्या फायदा? हाँ? मौत को धोखा देकर तू फिर मौत के सामने आ गया है। मौत की मर्जी तू क्या जाने ब्रजवा। मौत के पुजारी को मौत से डरा रहा है। डरा नहीं रहा हूं, तुझे मौत की वो काली छाया दिखा रहा हूं जो तेरे शरीर पर कफन बनकर पड़ चुकी है। देख जरा। दो कदम क्या, 100 कदम पीछे हट जा। लेकिन आज ना तू अपनी मौत से पीछा छुड़ा सकता है, ना मौत के साए से। ये साया मेरी मौत है। इस साए से मेरी मौत होगी। ये साया मेरी मौत है। इस साए से मेरी मौत होगी। ये साया मेरी मौत है। इस साए से मेरी मौत होगी। ये साया मेरी मौत है। इस साए से मेरी मौत होगी। सर्वनाश कर दूंगा, मिटा दूंगा। मेरे शरीर को मिटा कर भी मिटा नहीं सका तो मेरी परछाई को क्या मिटाएगा? इस छोकरी को मेरे हवाले कर दे, इसे मैं खरीद कर लाया हूं। मगर मैं तेरी एक एक सांस
मौत के बाजार में बेच कर आया हूं। क्या, कौन है तू? याद कर, चंद हीरों के टुकड़ों के लिए मेरी मां, मेरे पिता हरिया ठाकुर का कत्ल किया था तुम लोगों ने। शंकर? हाँ शंकर, 20 साल पहले तुम्हारे हाथों बोया हुआ दुश्मनी का वो बीज मैं, जो आज कांटेदार पेड़ बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। कांटेदार पेड़? हम उस पेड़ को ही मसल देते हैं। मौत इतनी जल्दी तेरी किस्मत में नहीं है। नहीं शंकर। पहले उस तीसरे आदमी का नाम बता जिसने मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डाला था। शंकर, बोल वो तीसरा कौन है? बोल, बोल। वो तीसरा आदमी राजा साहब था। नहीं शंकर, नहीं 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 शंकर, शंकर मुझे, शंकर मुझे मत मारो, नहीं 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 शंकर, नहीं 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 नहीं। और इस तरह मुझे मेरी आवाज वापस मिल गई। ऐसे क्या देख रही हो? जी करता है आज तुम्हें सुनते ही जाऊं, सुनते ही जाऊं। सिर्फ सुनोगे, अपने बारे में नहीं बताओगे। तुम मिल गए, मेरे सारे जख्म मिट गए, सब कुछ भूल गई मैं। चलो शंकर, यहां से कहीं दूर चले जहां सिर्फ तुम होगे, मैं होंगी और हमारा संसार होगा। उन्हें छोड़कर चला जाओ जिन्होंने मुझसे मेरे अपने छीन लिए, मेरा बचपन जला दिया, मेरे प्यार को तड़पाया। कौन है? अरे कौन है? मैं क्या देख रही हूँ? बेटे उठ, अरे उठ, अरे बेटे उठ। अरे बापू सो जा तू। अरे वहाँ भूत खिड़की में भुदक रही है और तू मुझे सो जा बोल रही है। कहाँ है? उधर देख, उधर देख, उधर देख, उधर देख। कहाँ है भूत? अपने बच्चे को डरा रही है तू? छोटे बच्चे को डरा रही है तू? अबे नींद में तक खराटे लेकर सोता है, अबे भूत क्या मरने को आएगा? बात कर रही है। अरे क्या शशशशशश का इंजन चला रही है? मुझे तो यहाँ बापू, बापू मुझे शंकर का भूत लग रही है। तू खिड़की से निकल ले, मैं दरवाजे से निकल रही हूँ। अरे वो खिड़की में खड़ी है। अपन दोनों दरवाजे से निकलेंगे। आ जा, तू आ जा, बापू आ जा, आ जा। भूत है, प्रेत है, आत्मा है, हमें माफ कर दो आत्मा जी। मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांग रही हूँ भूत जी। मैं भूत नहीं हूँ बापू, ये तो बोल रही है। शंकर तो गूंगा था। ये भूत ही है, परे को हट ले। देख छोटे, देखना मुझे, मुझे छूकर देख। हाथ मत लगाना, भस्म हो जाएगा। बापू ये शंकर है, बापू ये अपने शंकर है। शंकर तो जिंदा है, शंकर, शंकर तो जिंदा है, शंकर। ये सब कैसे होगा? शंकर तुझे तो राजा ने मार दिया था।
मेरे कंधों पर इंतकाम का इतना बोझ है कि मौत ने भी मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। शंकर, मेरे सीने पर भी पाप का बोझ है, तेरा साथ देकर वो बोझ मैं हल्का करूंगा। अब ये वही तेरे साथ है शंकर। वाह बापू वाह, आज तुझे पहली बार गले लगाने को जी कर रही है बापू। बापू, कौन है वो दुश्मन जो हमरा पीठ में खंजर मारा, दिन दहाड़े हमरा भाई को जलता हुआ भट्टी में झोंक दिया? तुम इधर का रिटायर्ड DIG होकर भी उसका पता नहीं लगा सका? क्या करूं राजा साहब, जिस किसी को भी पूछता हूँ कहता है पता नहीं कौन था। अरे तू तो ऐसा बोल रही है जैसे वो कोई धरती का प्राणी नहीं है, आसमानी मुसीबत थी। राजा साहब, कौन है ये? रणवीर। अरे इसके गले में कोई तीर भी लटक रही है। अरे निकालो भैया, लगता है दुश्मन का कोई संदेश आया है। तुम्हारी तलाश हूं मैं, ब्रिजवा की मौत का जिम्मेदार हूं मैं, और ये लाश भी मैंने ही भेजी है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, तुम कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदमी 20 साल पहले कानून की किताब में मर चुका है। तुम सोच रहे होगे कि किसकी आवाज है, तुम्हारी मौत की आवाज है, और ये आवाज अब तुम्हें जीने नहीं देगी। हर पल हर घड़ी तुम और तुम्हारे साथियों को उनकी तरफ बढ़ती हुई मौत का एहसास दिलाएगी, क्योंकि मैं इंतकाम का एक ऐसा दहकता हुआ कोयला हूं जिसकी उठती हुई आग की लपटों में तुम सबकी जिंदगियां आ चुकी है, और इस जलते हुए कोयले की आग में तुम सब बारी बारी चलकर राख हो जाओगे। रणबीर के बाद दिलावर, फिर DIG और फिर राजा। मेरा नाम नहीं लिया राजा साहब, तुम सब लोग चले जाओगे, मैं अकेला रह के क्या करूंगा राजा साहब। कौन हो सकता है ये दुश्मन? हेलो दिलावर, तुम्हारी जान को खतरा है। खतरा? किस बात का खतरा राजा साहब? तुम्हारा पीछे कोयला पड़ा है। कोयला? कौन कोयला? वही जो आग लगा देता है, जलाकर भस्म कर देता है। ओफो राजा साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रणवीर हमरा सामने लेटा हुआ है। लेटा हुआ है? मर गया है वो। मर गया? किसने मारा उसे? कोयला। हाँ, कम फास्ट हवेली ब्लडी फूल। तुम? वो मुझे जान से मार डालेगा। वो मुझे जान से मार डालेगा। कौन जान से मार डालेगा? कोयला। कोयला? हाँ वही, जिसने तुम्हारे दोस्त रणवीर को राख कर दिया। क्या? चलो चलो जल्दी चलो। अरे नहीं, बाएं चलो बाएं। लेकिन राजा साहब की हवेली तो इस तरफ है। वहीं से तो आ रहा है। चलो बाएं चलो बाएं। रुको रुको, नहीं रुको। ये मुझे तुम कहाँ ले आई हो? ये तो कोले की कान है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें हीरे की कान में लेके जा रही हूँ? मगर मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुमसे कोई अकेले में मिलना चाहता है। मुझसे? कौन मिलना चाहता है? शंकर। शंकर? कौन शंकर? हरिया का बेटा, जिसके मुंह में तुम लोगों ने जलता हुआ कोयला डाल दिया था। है? शंकर। क्या? चाबी।
लटक नहीं रही है बेटे, ये तो झूला झूल रही है। बड़े मजे ले लिया। दिलावर, 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 सही पहचाना, ये वही दिलावर है जिसने आज से 20 साल पहले हरिया का खून किया था, और इस डीआईजी ने दिलावर को गोली मारने का ढोंग रचाकर उसकी कहानी खत्म कर दी थी। गार्ड्स, पता लगाओ ये कौन बोल रहा है। मजदूर भाइयों, हरिया और उसकी पत्नी की हत्या करवाने वाला असली गुनेगार राजा है, राजा है, राजा है, राजा है। गलत, झूठ बोल रहा है ये। कोयले की खान से निकले हुए हीरो पर अपना कब्जा जमाने के लिए इस कमीने राजा ने दो मासूम जिंदगियों का खून किया था। बकता है ये भाइयों, बकवास कर रहा है। इंसान की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है ये, मजदूरों का खून बहाने वाला तरिंदा है ये। कौन है रे तू, सामने क्यों नहीं आता? मैं चश्मदीद गवाह हूं तेरे जुर्म का। तेरे हुक्म पर मेरे माँ बाप की हत्या की गई, और जब मैंने उस जुर्म की गवाही देनी चाही, तूने मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर मेरी आवाज छीन ली। और जब इन आंखों ने उन कातिलों को पहचाना, तूने और डीआईजी ने उन कातिलों की मौत का ढोंग रचाकर मेरी और इन सब की आंखों पर विश्वास की पट्टी बांध दी। 20 साल तक बिना आवाज के, बिना मां बाप के, एक अनाथ, लाचार, बेबस गुलाम की तरह, कुत्ते की तरह तेरे दरवाजे पर वफादारी करता रहा, शैतान को भगवान समझकर पूछता रहा, लेकिन वक्त ने आज मेरी आंखों से पट्टी उतार दी है। मेरा गुनहगार है तू। वाह वाह, मजदूर भाई लोगों, सबसे बड़ा गुनहगार तो ये खुद है जो हमरा नौकर होकर हमरा जोरू भगा के ले गया। सजा से बचने के वास्ते एक कहानी बना रहा है। कहानी ये नहीं, कहानी राजा बना रहा है। मैं कभी इसकी पत्नी थी ही नहीं। इसने जो मेरे साथ शादी की है वो धोखा था, चालबाजी थी। बोलो। हाँ, ये सच है कि हमने रुपयों के लालच में आकर गौरी को शंकर की तस्वीर दिखाकर इसे शादी के लिए राजी किया था। बोल राजा, ये सच है कि नहीं? अरे ये क्या बताएगा, अब मैं बतला रहा हूँ। इसने सिर्फ गौरी को ही नहीं फंसाया, तो गांव में जितने बलात्कार हुए, जितने खून हुए, उन सबका जिम्मेदार ये है। आज पकड़ा गया भैया, आज पकड़ा गया। बैठ। सॉरी भैया सॉरी, बापू ने पार्टी बदल ली है। अबे राजे के बच्चे, कल तक बापू तुझको गोलियां खिला रहा था, अब कोयले खिलाएगा कोयले। मारो साले को। Bloody fool!
बिलाड़ी फूल। जिंदगी दिया हूँ खुद को मौत से बचाने के लिए। देखो शंकर, हमरा धर्म में मरने के बाद ही जलाया जाता है, तुम हमको जिंदा नहीं जला सकता। ये कहानी तूने शुरू की थी मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर, और आज यही जलता हुआ कोयला तेरी चिता की आग बनकर उस कहानी को खत्म करेगा राजा। नहीं शंकर, नहीं शंकर, ना, हम तुमको हाथ जोड़ता हूं रे, ना, नहीं, 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 नहीं।